नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमनदीप। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम एक्सपर्ट्स स्पीक्स में। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े एक्सपर्ट से। इसी कड़ी में आज हमारे साथ में जुड़ गए हैं रवि कुमार गुप्ता जी, दिशा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल नीमका थाना सीकर के डायरेक्टर हैं। रवि जी ने अपने स्कूल के माध्यम से सीकर के ढेरों छात्रों को न सिर्फ शिक्षित किया बल्कि इन्होंने छात्रों को एक नई दिशा भी प्रदान की है। किस तरह रवि जी शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, कैसे ये छात्रों को नए तरीके से शिक्षित कर रहे हैं, आइए जानते हैं रवि कुमार गुप्ता जी से। रवि जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम एक्सपर्ट्स स्पीक्स में। जी धन्यवाद न्यूज़ 18 को मंच देने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, आप इसको कैसे देखते हैं? 1986 के बाद 34 साल के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव इस पॉलिसी में भारत सरकार करने जा रही है। इस पॉलिसी में चार स्टेज बनाई गई हैं, जिसकी जो पहली स्टेज है फाउंडेशन स्टेज, जो मुझे बहुत बेहतरीन लगी। यहाँ बच्चों को शुरू में 3 साल किसी किताब का कोई बोझ नहीं होगा, उनको खेल कूद के माध्यम से पढ़ाई करवाई जाएगी। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा कदम है। उसके बाद फर्स्ट और सेकेंड क्लास में कोई एग्जाम नहीं होने वाली, ये भी एक बेहतरीन कदम है। नेक्स्ट, सरकार ने जो प्रीपरेटरी स्टेज सेकेंड स्टेज बनाई है, जहाँ से बच्चा थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्लास अपनी पूरी करेगा, ये एक बेहतरीन कदम है। इसके बाद जो तीसरी स्टेज है क्लास सिक्स से, अब बच्चे को कंप्यूटर कोडिंग, जैसे कंप्यूटर कोडिंग नहीं बट बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज यहाँ से देना शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी जरूरत थी कि वोकेशनल कोर्स यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। यदि कोई बच्चा जो उसका पैशन है, यदि म्यूजिक में जाना चाहता है तो म्यूजिक के कोर्स स्टार्ट होंगे। बच्चा कारपेंटर का वर्क सीखना चाहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जाना चाहता है, तो यहाँ से वोकेशनल कोर्स प्रोफेशनल वाले कोर्स स्टार्ट होंगे, जो मेरे हिसाब से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देंगे और बच्चों का गवर्नमेंट जॉब के प्रति जो झुकाव है वो खत्म होगा और देश की जो बेरोजगारी की समस्या है कहीं ना कहीं इस पर भी एक लगाम लगेगी। रवि जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे कि दिशा स्कूल नीमका थाना के डायरेक्टर हैं आप, हमारे दर्शकों को बताएं कि शिक्षा बेहतर कैसे की जा सकती है। शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए मैं कहना चाहूंगा कि बच्चों को अपने जो उनकी रुचि है, पेरेंट्स को काउंसलिंग करवाकर अपने बच्चों को वही सब्जेक्ट वही दिलवाने चाहिए जिसमें बच्चे का पैशन है, ये मैं पेरेंट्स से कहना चाहूंगा। दूसरा, मैं बच्चों से कहना चाहूंगा कि वो अपनी एजुकेशन को अच्छे से लें, अपने पेरेंट्स की बात सुने और टीचर्स की बात को फॉलो करें। और रवि जी, देखा गया है कि आज ज्यादातर विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर काफी ज्यादा तनाव में रहते हैं, तो ऐसे में विद्यार्थी तनाव को कैसे दूर कर सकते हैं? तनाव का मुख्य रीजन मैंने नोटिस किया है, आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों को चाहते हैं कि बच्चा 95% गेन करे या फर्स्ट रैंक करे, हर पेरेंट्स की यही जिज्ञासा है और यह प्रेशर बच्चों को काफी फील करना पड़ता है। दूसरा, आपका अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं, व्यायाम करें, मेंटली प्रेशर को दूर करने के लिए आप म्यूजिक थेरेपी का सहारा ले सकते हैं, कंटिन्यू न पढ़ें। एग्जाम्स टाइम में ही हम देखते हैं कि बच्चे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, ऐसा ना करें। आप अपना डेली रूटीन बनाएं और डेली रूटीन के हिसाब से अपनी स्टडी को टाइम टेबल बनाकर पढ़ें ताकि एग्जाम के टाइम आपको प्रेशर फील न करना पड़े। रवि जी, आज इस कार्यक्रम को पूरा राजस्थान देख रहा है, ऐसे में अभिभावकों और विद्यार्थियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी अभिभावकों से एक निवेदन है, जो मैंने नोटिस किया है एज ए डायरेक्टर, बच्चे की इंटरेस्ट किसी अदर फील्ड में है और पेरेंट्स अपने बच्चे को खुद की च्वाइस के सब्जेक्ट प्रीफर करते हैं, तो कृपया ऐसा न करें। जो नई जनरेशन है, मैं मानता हूँ कि आपका मोबाइल इंस्टाग्राम के प्रति थोड़ा रुझान ज्यादा है, तो बेटा ये थोड़ा सा कम करें, एक टाइम फिक्स करें, हाफ आवर वन आवर, उससे ज्यादा इसमें इन्वॉल्व ना हो। ये चीजें, ये जो आप फिजिकल चीजें जो देख रहे हो, ये जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे, एक बड़ी जॉब आपके पास होगी, तो आप सारे जीवन के एंजॉयमेंट कर पाएंगे। बट फिलहाल जो टाइम आपका है वो कैरियर बिल्डअप करने का टाइम है, आप फोकस कीजिए, आपके सपने पूरे कीजिए, अपने माँ बाप के सपने पूरे कीजिए। रवि जी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत शुक्रिया और शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी ढेरों जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद मंच देने के लिए। कार्यक्रम में बस इतना ही, आप मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।